मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हो। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है और ऋषि ज्योतिष आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों का वास्तविक जो आपको परेशानी आती है उसके विषय में आपका मार्गदर्शन करता है। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं जरूरत है ऋषि ज्योतिष चैनल से जुड़ने के लिए। आप अपनी जन्म की डिटेल और जो आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए या व्हाट्सएप पर लिख दीजिए, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। उससे आपका भी और बाकी दर्शकों का भी मार्गदर्शन होगा। दर्शकों जन्म कुंडली एक ज्ञान दर्पण है सभी का, किसी का भी हो। यह जन्म कुंडली का खाका है, इसमें जीवन के सभी सुख दुख का वर्णन है। और यहीं पर मैं एक बात बता दूं, लगन कुंडली बोलो या जन्म कुंडली बोलो, लगन कुंडली पूर्व जन्म के कर्मों के फल के आधार पर जब प्राणी जन्म लेता है तो वह उसके जीवन में मिलने वाले सुख और दुख का एक निर्धारित कोटा है। अगर आपकी लगन कुंडली में शुभ प्रभाव है तो गोचर या दशाओं में वो शुभ प्रभाव मिलेगा। अगर आपकी लगन कुंडली में अशुभ प्रभाव है तो वह गोचर या दशाओं में आपको अशुभ प्रभाव मिलेगा। लगन कुंडली का प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है और वह पूरे जीवन का सुख दुख का कोटा है। तो हम इसी पर विचार करेंगे। ये लगन कुंडली का खाका है, यह लगन का भाव है। दर्शकों मैं हमेशा बताता हूं ताकि मेरे कोई दर्शक जुड़ते हैं तो उनको पता हो, लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। अगर आपका लग्नेश और लगन पीड़ित है तो समझो आप पीड़ित हैं। द्वितीय भाव धन का, परिवार कुटुंब का भाव है, दानी आंख का भाव है। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। चतुर्थ भाव माता का, भूमि मकान आदि का है। पंचम भाव शिक्षा संतान विवेक बुद्धि कला आदि का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु और ऋण का भी भाव है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है और रोजगार का भी भाव है। अष्टम भाव आयु और कष्ट का भी भाव है, दीर्घ रोगों का भी भाव है। नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म का भाव है। हम कहते हैं ना भाग्य साथ ने दिया, वह यह नवम भाव ही है। दसम भाव सम्मान दिलाने की, सम्मान का भाव है, पिता के सुख का भाव है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सम्मान दिलाने वाला दसम भाव है। कुंडली में ये चार केंद्र है, पहला चतुर्थ सप्तम दसम और पहला भाव केंद्र त्रिकोण भी है और पंचम और नवम त्रिकोण माने जाते हैं। ये शुभ प्रभावी होते हैं और इनके ग्रह भी योग कारक या शुभ प्रभावी होते हैं। बाकी तो जब प्राणी जन्म लेता है, जन्म के टाइम पर जैसे ग्रहों की स्थिति बनती है वह उसी के हिसाब से शुभ अशुभ का आलकन किया जाता है। जैसे सामान्य तौर पर बोल देते हैं और गुरु बहुत ही शुभ है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुंडली की रचना के ऊपर डिपेंड करता है। आज के विषय में हम एक कन्या जातक की कुंडली पर विचार करेंगे, सिर्फ दो बिंदु पर विचार करेंगे। उसमें संख योग है और महापुरुष योग है, परंतु उसका पूर्ण प्रभाव नहीं मिलता, वो भंग हो रहा है और प्रबल पित्त दोष है। सिर्फ इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। कुंडली में और भी बहुत सारे योग हैं, इतना समय नहीं होता है वीडियो में विचार करें। तो संख योग कैसे बनता है और महापुरुष योग कैसे होता है, दर्शकों आपकी कुंडली में यह पंचम भाव है और यह छठा भाव है। तो आपकी कुंडली में लग्नेश बलवान होना चाहिए, लगन का स्वामी कहीं पर भी बलवान होना चाहिए या नवम भाव का स्वामी बलवान स्थिति में हो। लग्नेश बलवान हो या नवम भाव का स्वामी स्थिति बलवान हो तथा लग्नेश और दशमेश चल राशि में हो। लग्नेश और दशम भाव का स्वामी चल राशि में हो। चल राशि कौन सी होती है, मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, इनमें हो तो ऐसा जातक धन संतान सुयुक्त दयालु पुण्य आत्मा बुद्धिमान और अच्छे काम करने वाला होता है। यह कन्या की कुंडली में है लेकिन थोड़ा सा
भंग है, पीड़ित है, उसका अगर हम उपाय करेंगे तो वह जातिका को पूर्ण फल मिलेगा। उसके राह आसान करने के लिए मैंने ये विषय सुना कि ताकि उस कन्या का मार्गदर्शन हो। दूसरा है पवल पितृदोष। पितृदोष तो अनेकों प्रकार से होता है, इसके साथ साथ ही हम विचार करेंगे जब पितृदोष आ जाता है तो वैनाशिक नक्षत्र और बाद के नक्षत्र, जैसा कि मैंने आपको वीडियो अपने वीडियो 368 में बताया था, वह भी कहीं ना कहीं अशुभ प्रभावी हैं। कन्या जातक का जन्म 26 अक्टूबर 1998 शुक्ल पक्ष है, कुरुसारा नक्षत्र एक सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर मकर लग्न हो, मकर लग्न के 19 डिग्री राजमान है, द्वितीय भाव में कुंभ राशि में गुरु 24 डिग्री और केतु 4 डिग्री विराजमान है, गुरु वक्री है। चतुर्थ भाव में लग्नेश शनि चर राशि में, मेष राशि चर राशि होती है और लग्न भी चर राशि का है, चर राशि में 6 डिग्री लेकर के विराजमान है, नीच राशि में लेकिन वक्री है और ज्योतिष सिद्धांत के मुताबिक जब नीच ग्रह वक्री होता है तो वह उच्च के फल देता है। अष्टम भाव, अष्टम भाव जैसा कि मैंने बताया आयु का और कष्ट का भाव है, अष्टम भाव में राहु प्रबल पितृदोष माना जाता है, वहीं पर मंगल आ गया, मंगल 17 डिग्री लेकर विराजमान है, जाति का मांगलिक है। दसम भाव में नवम भाव का स्वामी बुध बलवान स्थिति में है, सूर्य नीच राशि में अष्टमेश सूर्य है और दसम भाव का स्वामी चर राशि में अपनी राशि में है। तो संखयोग की क्या शर्त बताई प्रासद जी ने अपने अध्याय 38 में, पंचम और छठे भाव का स्वामी परस्पर केंद्र में हो और चर राशि में हो, तो पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, चर राशि में है, तुला राशि चर राशि है, और छठे भाव का स्वामी बुध है, चर राशि में है, बुध नवम भाव का भी स्वामी है, छठे भाव का स्वामी चर राशि में, और लग्नेश भी चर राशि में, फुल कंडीशन हो रही है। लेकिन जो तकलीफ आ रही है उन तकलीफों को दूर करेंगे तो हमारी बिटिया को पूरा प्रभाव मिलेगा। दूसरा है महापुरुष योग, शुक्र केंद्र में अपनी राशि में है, पंच महापुरुष योग ज्योतिष में बताए गए, यहां पर शुक्र मालवीय योग बनाता है लेकिन शुक्र अस्त है, उसको पूरा फल नहीं मिल रहा है। उसके लिए क्या उपाय करेंगे वो बताएंगे, ताकि जातिका का जीवन सफल हो और अच्छा प्रभाव मिले। दर्शकों, मकर लगन वाले कोई भी हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो या कन्या हो, कोई भी होने दो, उनके स्वामी शनिदेव है और उनका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है, इनका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं होता, सहराव थोड़ा सा उग्र हो सकता है लेकिन ये अपनी उग्रता समय देख करके दिखाते हैं, जहां भीगी बिल्ली बनना तो भीगी बन जाएंगे। इनका दाम्पत्य जीवन प्राय सुखी नहीं देखा जाता और ये अपना दोष सुनने के लिए तो आदि नहीं है, भड़क जाते हैं, इनकी वाक शक्ति पर कोई निरंतर नहीं होता और थोड़े से अड़े स्वभाव के भी होते हैं, जो ठान लिया वो ठान लिया, भाई करना ही है जो कुछ भी कर लो, चाहे उसके बदले में उसके औसत में कितना भी नुकसान हो जाए वो करना है। लग्नेश चतुर्थ भाव में है, कोई भी जातक का लग्न का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में है, माता पिता का आदर करने वाला, घरेलू सुखों की उसको सुख मिलती है, अच्छा रहता है अगर शुभ स्थिति पर हो। शनि तीसरी दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहा, शत्रु पर कंट्रोल करेगा, शनि सप्तम दृष्टि उस दृष्टि से व्यवसाय को देख रहा, पिता और व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छा होगा। दसम दृष्टि शनि अपनी राशि को देख रहा है, सम्मान प्राप्ति में उसको प्रदान मिलेगा, अपने आप ऊपर उठाएगा। शनि कोई भी लग्नेश का लग्न भाव को देखना उच्च सम्मान दिलाने वाली बात आ जाती है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, दसम भाव में सूर्य नीच राशि में है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है और सूर्य ग्रहों का राजा है, नीच राशि में है, व्यवसाय में की प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी होगी, पिता के पक्ष में कष्ट होगा। सप्तम दृष्टि से उच्च दृष्टि से देख रहा है, क्यों मेष राशि में उसका माना जाता है घर और मैं अच्छा सुख होगा, लेकिन सूर्य यहां पर पीड़ित है, पीड़ित कैसे है बताएंगे। और जब सूर्य पीड़ित हो जाता है तो पथि रोग बड़ी आसानी से दे देता है, हृदय रोग भी दे देता है, सूर्य पीड़ित है। अब बात करते हैं मंगल चंद्रमा की। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है, यानी आप ये मानो और चंद्रमा उसका जीवन साथी है। द्वादश भाव में चला गया,
द्वादश भाव में चला गया, खर्च अधिक करेगा। ऐसे जातिका के प्रेम विवाह भी हो सकते हैं कि द्वादश भाव भोग का स्थान है, द्वादश भाव और सप्तम भाव भोग का स्थान माने गए हैं, तो प्रेम विवाह भी कर सकता है और यहां पर खर्चा तो करेगा ही। चंद्रमा पीड़ित है, राहु से पंचम दृष्टि पीड़ित है, हो सकता है जातक का जीवन साथी ऐसा सामाजिक कार्य भी कर सकता है, इसलिए उसकी शांति करा देना एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शको चतुर्थ भाव का स्वामी है, एकादश भाव का स्वामी है। हमने आपको 668 एपिसोड में बताया था कि चल लगन, मकर लगन, चल लगन के लिए एकादश भाव का स्वामी बाद केस होता है। अगर उस बाद केस का संबंध अष्टम भाव से हो, या अष्टम भाव के स्वामी से युति बनाए, या अष्टम भाव के स्वामी के नक्षत्र में हो, तो वह बाद केस परिपूर्ण होता है और वह उसकी जब दशा अंतरदशा आएगी तो प्रत्येक उन्नति में बाधक होगा। एकादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, बाद केस है। जब भी इसकी प्रकृति की दशा आएगी या मंगल अपनी दशा अंतरदशा में आएगी तो तकलीफ देगा। वहीं पर भी मंगल यहीं पर एक और बता दे, वैनाशिक नक्षत्र, वो भी हमने एपिसोड 368 में बताया था। आपका जन्म नक्षत्र कोई भी हो, आपका चंद्रमा जहां जिस नक्षत्र में है वो आपका जन्म नक्षत्र है, उस जन्म नक्षत्र से 22वां नक्षत्र वैनाशिक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र का स्वामी विनाश करने वाला होता है। अगर वह कारक ग्रह है कुंडली में तो 5-10% विनाश करेगा, अगर अकारक है तो 100% विनाश करेगा। तो जातिका का जन्म नक्षत्र पुरुषाढ़ा है और पुरुषाढ़ा से 22वां नक्षत्र चित्रा है, चित्रा का स्वामी मंगल है, मंगल अष्टम भाव में है, पहले ही बाद केस बन गया और विनाश करने वाला बन गया। तो यह विनाशी नक्षत्र का स्वामी विनाश करेगा और अष्टम मंगल हो गया। यहां पर राहु और मंगल अष्टम भाव में हो गए, ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में होने से मांगली मानी जाती है, साथ में राहु भी हो गया तो परवल मांगली होगा और आग में घी छिड़कने वाली बात आ गई। राहु के जब टर्न आने दो, मैं इसका पूर्ण विवरण बताऊंगा। अब बात करते हैं बुध की। बुध छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या नवम भाव में है, बुध दशम भाव में है, चर राशि में है, संयोग की फुलफिल कंडीशन करा और सूर्य बुध के साथ है, बुद्धातीत योग बना रहा, अपने आप में योग है। ऐसी जाति का बहुत ही बुद्धवान होगी। अगर आपका भी बुद्धातीत योग बन रहा है तो कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो बुद्धिमान होगी। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शको मकर लगन के लिए गुरु एकारक है, द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है और पाप ग्रह की राशि में। हरिवंश पुराण में स्पष्ट लिखा है कि गुरु धन संपत्ति और संतान और कन्या जातक के लिए विवाह का कारक है। अगर गुरु पाप ग्रह की राशि में हो, नीच राशि में हो या अशुभ स्थिति में हो तो ऐसा मान करके सोचो उनके पितरों का श्राप है। तो दर्शकों यहां पर पितरों का श्राप अंगित हो रहा है। गुरु पंचम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रु पक्ष में तो परेशानी को दबाएगा, पृथकवादी भी है। सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु में अच्छा करेगा। नवम दृष्टि से यहां पर दशम भाव को गुरु देख रहा है, व्यवसाय में अच्छा होगा। और गुरु के 24 अंश है, बुध के 27 अंश है, वो बुध को ऊंचा उठा रहा है, भाग्य को ऊंचा उठा रहा है। जाति का बुद्धिमान पर बुद्धिमान बनेगी, बहुत अच्छी बुद्धिमान बनेगी, उसमें कोई शक नहीं, और अच्छा धन कमाएगी। भाग्य और परिश्रम से धन कमाएगी, या जाति का उल्टे पुलटे काम से नहीं कमाएगी, भाग्य और परिश्रम से धन कमाएगी। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों मकर लगन में शुक्र दो भावों का स्वामी है, छठे भाव का, पंचम भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है। यह त्रिकोण है और यह केंद्र है, दोनों लक्ष्मी नारायण माने जाते हैं। एक माता लक्ष्मी है तो एक प्रभु हरि नारायण माने जाते हैं। तो ये राजयोग है, पंचम भाव का स्वामी दशम में चला गया, पहली बात राजयोग, दूसरी बात शुक्र अपनी राशि में हो गया, मालव योग बन गया, पंच महापुरुष योगों में से एक है। मैं फिर भी नए जातकों को बता दूं,
अगर जब गुरु ये केंद्र है, गुरु केंद्र में अपनी राशि में उच्च राशि में हो तो हंस महापुरुष योग बनता है। बुध बुध इन केंद्रों में उच्च में हो अपनी राशि में हो तो भद्र पुरुष महापुरुष योग बनता है, और मंगल रूचक योग बनाता है, और शुक्र माले योग बनता है। ये जितने भी महापुरुष योग है ये सम्मान धन दौलत सभी से परिपूर्ण होते हैं, और जातक इन सम्मान इन महापुरुष योगों से विशेषता प्राप्त करता है। लेकिन शुक्र अस्त हो गया, अपने ही घर में काम नहीं दे रहा, शुक्र अस्त हो गया, अब इससे काम तो लेना है, कैसे लेना है अंत में बताएंगे। तो देखिए मालव योग भंग हो गया, उधर शुक्र पंचम भाव का साम्य संख योग में भी काम करता है लेकिन अस्त हो गया, कहां से संयोग काम करेगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दरअसल अष्टम राहु है। राहु हमारे पूर्वजों का प्रतिनिधि है, हमारा पितामह है। दर्शकों मैं हमेशा बताता हूं राहु हमारे पूर्वजों का पिति है और पितामह है, और अष्टम राहु प्रबल पितृदोष माना जाता है, और द्वादश भाव में भी राहु प्रबल पितृदोष माना जाता है। यहां पर ध्यान से सुनिए, जिस जातिका की कुंडली है उनके पिता ने मेरे को यह बताया, उनके पिता और जातिका ज्योतिष के ज्ञान से बिल्कुल बहुत दूर है। मैं दोबारा खोल के बताता हूं, ये अष्टम भाव जिसकी लग्न की कुंडली है उसका अष्टम भाव आयु और कष्ट का भाव है। दूसरी बात, यहां पर राहु जीवन में कष्ट देगा। कन्या के लिए अष्टम भाव उसके सौभाग्य का भाव है, उसके पति की भी आयु को इंगित करता है, उसका सौभाग्य के लिए भी अशुभ माना जाता है। दूसरी बात, यह राहु यहां पर पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, यह जिसकी कुंडली है उसका तो द्वादश भाव है लेकिन यह संतान का भाव है, संतान से आठवें स्थान पर उसकी संतान के लिए अशुभ होता है, यानी जिसकी कुंडली है उसके बच्चों की आयु का भाव ये है, अष्टम पड़ता है बच्चों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब अष्टम राहु की दृष्टि बच्चों के अष्टम स्थान पर भी है तो बच्चों को भी कष्ट देगा। आगे चलिए दर्शकों, राहु की नौम दृष्टि यहां पर है, चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव माता का है और सुख का है। दूसरी तरफ पिता का नवम भाव है, दर्शकों ध्यान से सुनो बहुत समझने वाली बात है, पिता का नवम भाव है, पिता के सुख का दशम भाव है, पिता के नवम भाव से अष्टम भाव चतुर्थ भाव आता है, चतुर्थ भाव पीड़ित है, तो ये राहु चतुर्थ भाव में भी हानि करेगा, लग्नेश को हानि करेगा, जातिका की हानि करेगी, लेकिन इसके पिता से अष्टम में चतुर्थ आता है उसके पिता को भी कष्ट देगा, इसलिए अष्टम राहु को प्रबल पितृदोष माना गया है। दूसरी तरफ मंगल साथ में आ गया तो अंगारक योग हो गया, तो राहु मंगल के भी गुण लेकर के यहां भी देखेगा यहां भी देखेगा, प्रबल पापी बन गया, तो यह प्रबल पितृदोष बन गया। कितने को तंग किया, उसके बच्चों को भी तंग किया, माता को भी किया और पिता को भी तंग किया, उसके सुखों में परेशानी आई, उनके ऊपर कष्ट वाली बात बनी। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। तो राहु शनि को पीट दिया, हरि हो गई, शापित हो गया, परम पितृदोष बन गया। अब बात करते हैं केतु की। केतु द्वितीय भाव में है, शत्रु पक्ष पर प्रभावी होगा, कष्ट देगा, पेट संबंधित कोई परेशानी दे सकता, रोग दे सकता, रोगों की तो भरमार होगी, कोई बात नहीं। केतु की नौम दृष्टि सूर्य को भी पीड़ित कर रही है, तो सूर्य पिता का कारक है, पिता का अष्टम भाव भी पीड़ित है और पिता के कारक का सूर्य भी पीड़ित है, सिर्फ पिता को प्रतिनिधि करने वाला बुध अच्छा है, गुरु देख रहा है इसलिए बचाव हो रहा है। मंगल माता का चतुर्थ भाव का साम्य अष्टम आ गया, माता के सुखों में कमी हो गई, माता दिव्य रोगी होगी, माता या कैसे कोई और भी कारण बने तो माता के सुखों को उसमें कमी होगी। अब बात करता हूं, मैंने बताया तो अंत में बताऊंगा कि राहु मंगल यहां पर है तो प्रबल अशुभ कारक बन गया, अष्टम भाव पीड़ित हो गया, इनकी सप्तम दृष्टि यहां जाती है तो ये जीवन साथी का भाव है, जीवन साथी से आष्टमा अष्टम उस जीवन साथी का आयु का भाव है। जैसे मैंने आयु का भाव लगन का ये बताया,
पिता का आयु का यह बताया, बच्चों का आयु का भाव यह बताया, तो ये जीवन साथी का भाव है। इस साथ जीवन साथी के भाव से ये द्वितीय भाव अष्टम है, ये भाव पीड़ित है राहु मंगल से, वृक्ष पीड़ा रहे, जातिका के पति को भी कष्ट का योग बनता है। दर्शकों यहां ये है प्रबल पित्त दोष का कारण। तो इस जातिका कुंडली में मालो योग में ही परेशानी आ गई, संख योग में ही परेशानी आ गई, साधारण तौर पर परेशान आ गई, और मंगल बाद केस है, विनाशिक नक्षत्र है, यह भी परेशानी वाली बात आ गई। तो मैंने कुंडली के अशुभ योग तो योग अशुभ और शुभ तो और भी होंगे, उनकी तरफ जाऊंगा तो बहुत होगा, लेकिन मैंने आज इतना ही बनाया। लेकिन होनहार बच्ची है, अच्छी है, बढ़िया है, लेकिन ये दिक्कतें वाली बात है। तो अब उपाय की बात सुनिए दर्शकों। इनके पिताजी से मेरी सुबह भी बातचीत हुई, ये राहु अष्टम राहु है, कोई इनका पूर्वज पैतृक योनि में है, तो उनके ने सवाल किया और उसके लिए क्या किया दर्शकों, जहां पर नर्मदा जी के तट पर त्रिवेणी संगम है, ये पितृदोष पूजाएं नारायण बलि श्राद्ध आदि हमारे देश में 64 जगह पर लगभग होती है, कहीं पर भी होते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। यहां पर इसको भी दक्षिणी प्रयाग माना गया है, जैसे इलाहाबाद में उत्तरी प्रयाग है, यहां पर चांदोल करनाली जो नर्मदा जी के तट पर दक्षिणी प्रयाग माना गया है। यहां पर वैदिक पाठशाला में पढ़ाया जाता है और उसी पढ़ाई को क्रांतिक लिया जाता है। यहां पर महाराज लोग पंडित जी लोग नारायण बलि श्राद्ध कराते हैं, पंचबली श्राद्ध कराते हैं। पंचबली का क्या मतलब है, जहां पर यह बताया गया है, नारायण बलि श्राद्ध में विष्णु भगवान की पूजा है और वो एक श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से उसकी पूजा की जाती है, ताकि वो आपके पूर्वजों को मुक्ति दे, आपके अशुभ कर्मों का जो आपने पूर्व जन्म के लेके आए हैं उनका अशुभ कर्मों का एफिडेविट है। उसके बाद है प्रेत बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध उसके लिए किया जाता है ताकि आपके पूर्व जो अशुभ योनि में प्रेत योनि में घूम रहे हैं उनकी मुक्ति हो जाए। भूत बलि श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि आपके पूर्व अगर कोई भूत योनि में है उनका हो जाए। नागबली श्राद्ध तो मशहूर है, नारायण बलि के साथ नागबलि की जाता है, सभी पापों का नाश कर देता है, अशुभ योनि में हो जाता है, कोई शर्त दोष भी होता है तो राहु शर्त भी है, उससे मुक्ति हो जाए। अंत में आता है काग बलि श्राद्ध। दर्शकों आपने देखा होगा, मैंने उत्तरी भारत में देखा है, क्यों मैं मूल निवासी उत्तरी भारत का हूं, वहां पर जब श्राद्ध पक्ष आता है तो हम अपने पूर्वजों निमित्त जो श्राद्ध निकालते हैं कौओं को खाना खिलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पितृ योनि के स्वामी है आर्यमा भगवान है और उनकी सवारी कौआ है, कौआ है, और उनके जो हमारे पूर्वज पितृ योनि में अपना वहां पर प्रभाव ले रहे हैं वो उनकी मुक्ति के लिए कागबलि श्राद्ध देते रहते। दर्शकों मैंने अपने पहले शुरू के एपिसोड में मैंने आपको पितृ और प्रेत में काफी अंतर बताया गया है, मेरा ख्याल है चौथा या पांचवा वीडियो आप समझ सकते हैं। पितृ तो वो है जो पितृ योनि में है, वो हमको कभी तंग नहीं करते, हमारा शुभ आशीर्वाद देते हैं, और जो तंग करते हैं वो तो भूत प्रेत अशुभ एथिक आत्माओं में घूमते हैं जो कि हमको और हमारे बच्चों को परेशान करते हैं। मेरा जहां तक ख्याल है आज के इस वीडियो से इस कन्या के पिताजी भी और ये कन्या भी समझ गई होगी क्यों किया जाता है। दर्शकों मैंने इस होनहार कन्या का कुंडली का विश्लेषण करके आपका भी मार्गदर्शन किया, इनके पिताजी का भी मार्गदर्शन किया और साथ साथ आपका भी मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हैं कि ऐसा वीडियो हमारे बच्चों के लिए काबिल है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी का भी और लोगों का भी भला हो। जैसा कि आपको पता है ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, जहां पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है, जिनका संपर्क करने की ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता पूरी निचोड़ देता, पूरे दोष शुभ अशुभ सब आ जाते हैं, उनका उपाय आ जाता है, जरूरत है तो लिखवा सकता है। ऋषि ज्योति कन्या भाव के लिए गुणमिलान प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के अभिभाव का आसान करने के लिए बेहतर जरूरत संपर्क में। दर्शकों फिर मैं कहूंगा ऋषि ज्योति ऐसा पेड़ है, आपको कोशिश की जाती है आपको 80 सलाह मिले, आपका मार्गदर्शन हो, और मैं कहता हूं आप लिख दीजिए कमेंट में, एक दो के लिए तो वीडियो बनाना संभव है, कुंडली में तो और भी शुभ अशुभ दोष कई होंगे, लेकिन वो इतने समय में संभव नहीं है कि मैं उनका यहां पर आपके साथ वर्णन करूं। दर्शकों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और दर्शकों जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और मेरे चैनल की ग्रोथ हो और मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, और इसी प्रकार मैं वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।